दिवाली दीपों का पावन त्यौहार है और हम लोग बहुत ही नए नए डिज़ाइन के दिए मार्केट से लेकर के आते हैं, लेकिन मैं जो पुराने दिए होते हैं ना उसका मैं बहुत ही सुंदर दिया स्टैंड बना करके दिखाऊंगी। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। जितने भी पुराने दिए होते हैं ना, जैसे अभी दशहरा था तो 9 दिन में काफ़ी दिए जमा हो गए थे, और ये जो दीप हम लोग जलाते हैं ना भगवान के सामने, तो उसका जो मोल है ना 10 गुना बढ़ जाता है, तो इसे बिल्कुल फेंके नहीं। और चलिए मैं फटाफट से बना लेती हूँ। और ये सारा दिया लेकर के मैं आ गई हूँ बनाने के लिए, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा दिया है, तो आज एक क्राफ्ट दिखाऊंगी और कल एक और क्राफ्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले ये जो दिया है ना, तो ये दशहरा के बहुत सारे दिया जमा हो गए थे, और किसी किसी दिया में देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा कालापन भी हो गया है, तो कोई नहीं, सबसे पहले साफ़ कपड़ा से आप पोंछ लें। और बहुत सारे आप क्राफ्ट की वीडियो देखने के लिए, खासकर दिवाली दशहरा तोरण कैसे बनता है, बहुत नए नए डिज़ाइन का, आप मेरे प्लेलिस्ट क्राफ्टी लीना ब्लॉग में ज़रूर विजिट कर लें, बहुत सारे आपको वहाँ पे क्राफ्ट मिल जाएंगे। और यहाँ पर एक साफ सूती कपड़ा से मैं सारा दिया को पोंछ ले रही हूँ। और देखिए ये जो गोल वाला जो पॉट होता है ना, तो उसका एक ढक्कन भी है, तो ढक्कन वगैरह भी नहीं फेंकती हूँ मैं। यहाँ पर है प्लास्टर और पेरिस जो मैं अपने DIY के लिए रखती हूँ, चाहे घर में भी कहीं भी टूट फूट गया तो मैं ये सब काम करती हूँ और इसीलिए मैं रखती हूँ, चाहे वॉल पुट्टी हो और प्लास्टर और पेरिस हो। और ये है फेविकॉल, तो फेविकॉल में थोड़ा सा प्लास्टर और पेरिस में हम मिला देंगे, और जिससे कि मैं दिया स्टैंड बनाऊँ तो एकदम फिक्स हो जाए। एकदम हल्का ही पानी डालना है और बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो यहाँ पर ये ढक्कन जो है ना, तो इसमें थोड़ा थोड़ा हम प्लास्टर और पेरिस लगा देंगे। और देखिए बनाते तो सब लोग हैं, बहुत सारा आप रियूज दिया का भी क्राफ्ट देखे होंगे, लेकिन वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मेरा क्राफ्ट मैं थोड़ा सा मतलब अलग बनाती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से दिखाऊंगी। और यहाँ पर मैं पहले देख लेती हूँ कि एक ढक्कन में ये मेरा कितना दिया और साइड से आएगा। तो दिया को ऐसा नहीं कि एकदम जिस तरह से रख रही हूँ उस तरह से नहीं पेस्ट करना है, थोड़ा सा दिया को ना ढक्कन के ऊपर चढ़ा दे, जिससे ये बहुत जल्दी फिक्स हो जाएगा। तो ये दिया स्टैंड बनाने में मुझे 2 दिन लग गए, क्योंकि इसको सूखने में भी 1 दिन टाइम लगा है। थोड़ा थोड़ा ये जो है ना, हम वाइट सीमेंट लेकर के और किनारे किनारे से डाल देंगे और इसको बस छोड़ देंगे, 3 से 4 घंटा में भी सूख जाते हैं। तो मैं अभी सुबह का सारा काम करके इसको मैं पेस्ट करके रख दूंगी, और खाना वाना सबको खिलाने के बाद से फिर से इसको देखती हूँ कि किस तरह का डिज़ाइन बनाना है। तो देखिए ये जो है ना, ये शाम के बज गए हैं 5 और ये एकदम से सूख गया है। तो और भी बहुत सारा मैं दिया यहाँ पर बना करके रखी हूँ, तो इसका क्राफ्ट कल आ जाएगा। और एक कोई भी आप बोतल का ढक्कन ले ले, थोड़ा सा रगड़ रगड़ करके इसको साफ़ कर लेना है, जिससे ना एकदम प्लेन हो जाए। जब भी हम पेंट करेंगे ना, तो उसमें थोड़ा सा मतलब कभी कभी उबड़ खाबड़ जैसा हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता देखने में। ये देखिए फाइनली एकदम से सूख गया है। अब क्या करना है ना कि चलिए इसको अब हम पेंट करेंगे। और देखिए एकदम से चारों तरफ से फिक्स हो गया है, और ढक्कन से रगड़ने से भी प्लेन हो गया है। यहाँ पर मेरे पास कलर है, तो देखिए ग्लास पेंटिंग भी करती हूँ, तो ग्लास पेंटिंग भी है मेरे पास, और जो क्लॉथ होता है कपड़ा होता है उसमें भी पेंटिंग करती हूँ, तो बहुत सारे पेंट मैं रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं वाइट निकाल रही हूँ, और एक गोल्डन कलर है, और बाकी जो येल्लो और मरून कलर है तो दूसरा DIY में करूँगी। जब भी हम लोग पेंट करते हैं ना, सबसे पहले आप जो है ना बेस वाइट का डालें। वाइट के बाद कोई भी कलर आप चढ़ाएंगे ना, तो एक तो चमकेगा भी और बहुत अच्छा फिनिशिंग भी आता है। और ये पूरा देखिए वाइट कलर में कर ली हूँ, पीछे तरफ से भी कर लेना है। और उसके बाद जब तक ये सूखेगा तब तक इसका जो नीचे का पार्ट में बनाई हूँ, तो 2 ढक्कन मिला करके, तो इसको भी कलर कर ले। बहुत सारा ऐसा स्टैंड मैं बनाई हूँ, दिया से भी स्टैंड बनाई हूँ, बैंगल से भी बनाई हूँ, तो सब जो है ना मेरे एक बार फिर से मैं बोलूँगी यूट्यूब वीडियो के प्लेलिस्ट में ज़रूर क्राफ्टी लीना ब्लॉग में आप लोग देख लें। अब मैं गोल्डन कलर निकाल रही हूँ, और मैं इसको ना गोल्डन कलर का बनाऊंगी। सबसे पहले ये वाइट कलर सूख गया है, तो हल्का सा पहले मैं गोल्डन कलर से हल्का हल्का बेस लगा दे रही हूँ, जिसमें इसमें ग्लेज आ जाए। गोल्डन कलर में थोड़ा सा मीडियम मिला ले अगर सूखा है तो, और जैसे कपड़ा वगैरह में भी करती हूँ ना, तो मीडियम भी मैं घर में रखती हूँ। और हल्का हल्का गोल्डन कलर करने के बाद अब मैं इसमें ब्लैक कलर का पेंट करूंगी। तो ऐसा नहीं कि ये दिया काला हो जाएगा, इसको गोल्डन कलर बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं जितना भी ये दिया स्टैंड है ना,
इसको मैं ब्लैक कलर कर ले रही हूँ, उसके बाद फिर से इसमें मैं गोल्डन कलर से पेंट करूँगी। तो गोल्डन कलर जैसे ब्लैक पेंट किए ना, तो आप गोल्डन कलर भी ले करके साथ मिला करके कर ले तो बहुत अच्छा गोल्डन कलर का ये दिया बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा मैं मरून भी मिला दी हूँ जिसमें ये देखने में भी अच्छा लगे। तो बहुत फास्ट करके वीडियो दिखा रही हूँ, आप लोग वीडियो स्किप करते हैं चाहे मैं कुकिंग का डालती हूँ या कोई भी बाद में पूछते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनी, इसको आपने कैसे बनाया था, इसीलिए मुझे फास्ट करके अब दिखाना पड़ता है आप लोगों को। तो चलिए यहाँ पर ये ऊपर का पूरा बेस मेरा बन गया है। अब जो है ना, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो सिंपल सा मैं बनाई हूँ, लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही खूबसूरत जब ये दिया जलेगा ना तो बहुत सुंदर लगेगा। तो यहाँ पर जो नीचे का बेस बनाई हूँ उसको भी ब्लैक कलर कर ले रही हूँ, थोड़ा सा इसमें मैं डिज़ाइन बना दूँगी कि देखने में अच्छा लगेगा। तो देखिए ये जब सूख जाए ना तभी ऊपर में दूसरा आप कलर चढ़ाए। तो यहाँ पर हल्का हल्का सा मैं वाइट और रेड का थोड़ा डिज़ाइन में बना दे रही हूँ। जो लोग क्राफ्ट करते हैं उन लोगों के पास बहुत आइडियाज़ होंगे। और हल्का हल्का इसमें मैरून चाहे येलो कोई सा भी डिज़ाइन चाहे, तो अगर लेस होगा गोल्डन तो उसको भी आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर ऊपर से थोड़ा सा मैं ग्लू लगा दूंगी, या नहीं तो आप वाइट सीमेंट है तो उसको भी आप फिक्स कर सकते हैं लगा करके। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा क्या करूँगी ना कि ये जो बोन फिक्स है उसको मैं लगा दूंगी, इससे बहुत अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा। तो चलिए ऊपर से इसको मैं लगा देती हूँ। और देखिए ये थोड़ा सा लगेगा, टाइम लगेगा सूखने में, तब तक मैं बीच का डिज़ाइन बना लेती हूँ। तो देखिए बहुत सारा आपके घर में फूल माला भी होगा, जो भगवान जी के पुराना माला भी होंगे ना, तो उसको बस आप एक एक निकाल लीजिए और कोई सा भी कलर ले सकते हैं। तो मुझे थोड़ा गोल्डन कलर में ना ये रेड कलर का मतलब लग रहा है कि इससे डिज़ाइन बहुत अच्छा बनेगा। तो पूजा के जो कपड़े हैं ना उसके भी बहुत सुंदर मैं DIY लेकर के आऊँगी, थोड़ा सा मेरे पास समय की कमी है। और यहाँ पर देखिए इसको ना बस फूल तो बना ही हुआ है, तो इस तरह से चार फोल्ड हम कर देंगे, एक भारी चीज़ से आप दाब दें तो कि बहुत जल्दी जल्दी सूख जाएगा। बोन फिक्स लगा करके मैं यहाँ पर रख रही हूँ। और देख ली कि दिया का चौड़ाई कितना है, उतना ही हम फ्लावर लेंगे। और इस तरह से देखिए ये सब सूख गया है। और अब एक एक फूल लेकर के ना यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगी। तो एकदम दिया के बीच से नहीं करें थोड़ा, क्योंकि दिया को बीच से भी मतलब बत्ती डाल करके जलाना है, एकदम किनारे किनारे से। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है जब ये मतलब रात के रोशनी में जलाएंगे ना तो इतना खूबसूरत लगेगा। तो ये डिज़ाइन जो है ना आप कहीं नहीं देखे होंगे, स्टैंड तो बहुत लोग इस तरह से बनाए हैं, लेकिन ये डिज़ाइन मैं अपना जो है ना अपने क्राफ्ट के आइडिया से बनाती हूँ। और बनने के बाद ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देंगे।